छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर समर्थन मूल्य में धान बेचने वाले किसान को टोकन के लिए संबंधित उपार्जन केंद्र में जाने की जरूरत नहीं होगी। टोकन तुरंत हाथ ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। समर्थन मूल्य में धान बेचने वाले किसानों को टोकन के लिए संबंधित उपार्जन केंद्र में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए किसानों को टोकन तुरंत हाथ ऐप की सहायता से किसान को समिति में दर्ज पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन और धान खरीदी की सभी नवीनतम जानकारियां प्राप्त होंगी और पूर्व की भांति किसानों को ऑफलाइन टोकन भी जारी किए जाएंगे। ऐप के माध्यम से संबंधित समिति या फिर उपार्जन केंद्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30% की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। तय सीमा में भी सीमांत छोटे और बड़े कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन के लिए समान अवसर उपलब्ध होगा। संबंधित समिति उपार्जन केंद्र में शेष 70% खरीदी क्षमता की मात्रा ऑफलाइन टोकन हेतु उपलब्ध रहेगी, ताकि जो किसान ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने में असुविधा महसूस करते हैं उन्हें पूर्व वर्षों की भांति समिति मॉड्यूल से टोकन प्राप्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को महत्वपूर्ण आवाज। वर्तमान में जो भूपेश बघेल सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी का बहुत सही उपयोग करते हुए जो ऐप के माध्यम से टोकन की जो व्यवस्था की गई है, मैं उसके लिए सबसे पहले सरकार को साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से जब टोकन लेने की बारी आती है उसमें किसानों की बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। सबसे पहले इस भीड़ से निजात मिलेगी, लाइन लगने की असुविधा से सारे किसान भाई बचेंगे, कभी भीड़ में भगदड़ की भी स्थिति निर्मित होती उस भगदड़ की स्थिति से बचेंगे।